गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डीपीएमटी 6 ए और बी का यूनिट 2 का पार्ट बी वाला पोर्शन देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये जो यूनिट 2 है, इस यूनिट 2 को हमने पार्ट तीन पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी को। पार्ट ए के ऊपर मैंने तीन वीडियोज बना के रखे हैं जो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। पार्ट बी के ऊपर हम दो वीडियो बनाएंगे, राइट, और पार्ट सी के ऊपर देखेंगे कि कितने वीडियोस बनते हैं। तो डीपीटी 6 एबी के लिए यूनिट 2 का पार्ट बी कवर होगा, डीपीटी 6 बी के लिए यूनिट 2 का पार्ट बी कवर होगा, और डीपीटी 4 ए बैच के लिए ये यूनिट नंबर 25.6 कवर करेगा, राइट। लेक्चर इज कम्बाइंड फॉर ऑल दीज थ्री क्लासेस। इसमें हम आईएसओ का जो भी पोर्शन है, पहले सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में हमको क्या क्या सीखना है। तो जो आपका यूनिट है, यूनिट का नाम दिया गया है वहाँ पे आईएसओ 9000 एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। मतलब आईएसओ 9000 क्या है, आईएसओ 9000 का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हमको डिटेल में इस यूनिट में हमको पढ़ना है। तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में पॉइंट्स कौन कौन से दिए गए हैं। फर्स्ट वी हैव टू लर्न, पहले हमको देखना है कि कंसेप्ट एंड रोल ऑफ आईएसओ। आईएसओ 9000 का एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है और उसका रोल जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका रोल क्या रहेगा। नेक्स्ट, वॉट इज आईएसओ 9000? आईएसओ 9000 एग्जैक्टली क्या है, हुम डज इट हेल्प। ISO 9000 जो है वो किसकी किसकी मदद करता है। After that, element of ISO. There are 20 element of ISO. आपके सिलेबस में 20 के 20 नहीं है, बट इतना डिटेल में नहीं है, जस्ट आपको सिर्फ उस 20 एलिमेंट्स के नाम याद रखना है। फिर उसके बाद स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी सिस्टम। क्वालिटी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स है, उस स्टेप में फर्स्ट स्टेप आएगी प्रिपरेटरी स्टेप, उसके बाद सेकंड वन इज द इम्प्लीमेंटेशन स्टेप एंड थर्ड वन इज द रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन स्टेप्स। तो ऐसे तीन स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद हमको क्वालिटी की जो सिस्टम है, उस क्वालिटी सिस्टम को हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। लेक्चर वन में हम ऊपर वाले इतने पोर्शन कंप्लीट करेंगे, और जो हमारा लेक्चर टू होगा, उस लेक्चर टू में हम क्वालिटी ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद टाइप ऑफ क्वालिटी ऑडिट्स, उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग एन आईएसओ 9000 कंपनी। मतलब किसी भी कंपनी को अगर आईएसओ 9000 का सर्टिफिकेशन मिलता है तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। फिर उसके बाद आईएसओ 14000 क्या है और डिफरेंस बिटवीन आईएसओ 9000 एंड आईएसओ 14000, ये कवर करेंगे हम लेक्चर नंबर सेकंड में। तो अभी मूव करते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट लेट अस सी द कंसेप्ट एंड रोल ऑफ आईएसओ 9000। इसका कंसेप्ट और उसका रोल क्या है आईएसओ 9000 में। एज द क्वालिटी बिकम अ मेजर फोकस ऑफ द बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। जैसे कि हमने जब हम क्वालिटी प्लानिंग और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पढ़ रहे थे, तभी हमको पता चल गया था कि अगर एक वर्ड भी आया था, देखो एक सेंटेंस भी मैंने आपको लिख के दिया था कि क्वालिटी अगर आपके बिजनेस को या फिर आपकी कंपनी को अगर बिजनेस के अंदर स्टे करना है या फिर स्टैंड करना है तो क्वालिटी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्वालिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि क्वालिटी बिकम अ मेजर फोकस ऑफ द बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब अगर आप किसी भी बिजनेस में एंटर करोगे थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो क्वालिटी क्या है, मस्ट है। वेरियस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। तो इसमें क्या हो गया है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने अपना अपना एक स्टैंडर्ड बना के रखा है, अपना अपना एक गाइडलाइन बना के रखा है। टू, स्टैंडर्डाइज द क्वालिटी रिक्वायरमेंट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज विद इन द कॉमन मार्केट एंड दोज विशिंग टू डू द बिजनेस विद दोज कंट्रीज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन,
ब्रैकेट में लिखा है आईओएस वॉज फाउंडेड इन 1946, राइट। बहुत बड़ा सेंटेंस है, इस बहुत बड़े सेंटेंस को हम थोड़ा सा डिवाइड करके देखेंगे। उसमें फर्स्ट पार्ट देखो, अभी देखो जैसे कि हमको, हम सबको पता है कि इंडिया का जो बिजनेस है वो किसी और कंट्री के, बहुत सारे कंट्रीज के साथ चलता है। चाइना का बिजनेस बहुत सारे कंट्रीज के साथ चलता है, अमेरिका का भी बिजनेस बहुत सारे कंट्रीज के साथ चलता है। सपोज आप लोग कंसिडर कर लो कि इन सभी कंट्रीज ने अपना अपना अलग स्टैंडर्ड और अपना अपना अलग गाइडलाइन बना दिया है, राइट। सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मेंटेन ऑल दिस स्टैंडर्ड। तो इसीलिए टू स्टैंडर्डाइज द क्वालिटी रिक्वायरमेंट, क्वालिटी रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करने के लिए ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, तो इन यूरोपियन कंट्रीज में जितने भी कॉमन मार्केट्स थे उन सभी कॉमन मार्केट्स में, और जो जो देश और जो जो कंट्रीज इन यूरोपियन कंट्रीज के साथ बिजनेस करने के लिए इच्छुक थे और बिजनेस करना चाहते थे, अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, तो इन यूरोपियन कंट्रीज ने एक स्पेशलाइज एजेंसी अपॉइंट की थी, या फिर एक स्पेशलाइज एजेंसी को बनाया था, जिसको उसने उन्होंने नाम दिया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और इनिशियली इसको आईएसओ नहीं कहा जाता था, इनिशियली इसको आईओएस इसी नाम से जाना जाता था। वॉज फाउंडेड इन 1946, कब फाउंड हुआ था ये, इन द ईयर 1946, एंड कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज ऑफ द 91 नेशंस। मतलब, और ये किसी सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज के लोगों ने नहीं बनाया था, मतलब 91 कंट्रीज के जितने भी नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव थे वो सभी उस मीटिंग के लिए प्रेजेंट थे। 91 नेशंस या फिर 91 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज, मतलब जैसे कि एक कंट्री को एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो ऐसे 91 देश के, 91 कंट्रीज के सभी रिप्रेजेंटेटिव ने हिस्सा लिया था और उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर्म की थी इन द ईयर 1946, और उस एजेंसी को उन्होंने नाम क्या दिया था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इट इज अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ कॉमन रिटन क्वालिटी स्टैंडर्ड इन 1987, ओके। फिर उन्होंने उसके बाद ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन था उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक सीरीज फॉर्म की थी इन द ईयर, कब फॉर्म की थी सीरीज उन्होंने, 1987 में एक सीरीज भी फॉर्म की थी। दीज आर कॉल्ड द आईएसओ 9000 स्टैंडर्ड एंड वेयर रिवाइज्ड इन द ईयर 1994। तो ये जो स्टैंडर्ड्स थे, इन्हीं स्टैंडर्ड्स को हम क्या कहते हैं, आईएसओ 9000 स्टैंडर्ड। और उसका रिवीजन कब हुआ था, मतलब उसी एडिशन को जब रिवाइज किया गया था वो ईयर कौन सा था, तो 1994 में उसको रिवाइज किया था, राइट। जैसे कि बुक का रिवीजन होता है, आप अगर बुक की एडिशन देखते हो तो सपोज इस साल मैंने एक बुक प्रिंटिंग आउट को दिया है तो उस साल का एडिशन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट ईयर अगर सेम बुक में मैंने कुछ नए टॉपिक्स ऐड करके बुक्स फिर से रिपब्लिश किया है तो क्या हो जाएगा, उसको वो री एडिशन बोलते हैं या फिर रिवाइज्ड एडिशन ऐसे भी बोलते हैं। द आईओएस अडॉप्टेड द आईएसओ प्रीफिक्स इन द नेमिंग स्टैंडर्ड। तो उन्होंने क्या किया था, ये जो आईओएस था उन्होंने कौन सा प्रीफिक्स लिया था, आईएसओ का प्रीफिक्स लिया था, राइट। आफ्टर दैट, मतलब इनिशियली जब फाउंड हुआ था तब उसका नाम क्या था, आईओएसई था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसका नाम क्या लिखा है, तो आईएसओ, उन्होंने उसका स्पेसिफिकेशन मतलब प्रीफिक्स कैसे लिया था, उन्होंने आईएसओ लिया था। ये जो आईएसओ है उसका मीनिंग क्या होता है, इक्वल। आईएसओ का मीनिंग क्या होता है, आईएसओ मींस इक्वल। ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड अंडर द आईएसओ 9000 स्टैंडर्ड are assured to have the quality equal to their peer organizations, right? इसका मतलब थोड़ा सा अच्छे से समझ लो,
जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास ISO 9000 का सर्टिफिकेशन है, ऑर्गेनाइजेशंस सर्टिफाइड अंडर द ISO 9000 स्टैंडर्ड आर एश्योर्ड टू हैव द क्वालिटी, उनके पास क्वालिटी की एश्योरिटी है टू देयर पीयर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उन सभी, वो सभी प्रोडक्ट क्वालिटी का जो भी स्टैंडर्ड है वो क्वालिटी का स्टैंडर्ड अचीव करते हैं, इसीलिए उनको ISO 9000 स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन मिला है। देखो हम, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कई बार एग्जांपल दिया था कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी इक्विपमेंट है, जब हम कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लेने की कोशिश करते तो पहले उसके ऊपर ISO का सिंबल देखते हैं, राइट। तो ISO का सिंबल का मतलब क्या है कि इट इज द क्वालिटी एश्योर्ड स्टैंडर्ड, मतलब वो हमको क्या करता है, क्वालिटी की एश्योरिटी देता है कि जो कम से कम 2 साल, कम से कम 3 साल इस प्रोडक्ट को कुछ भी नहीं होगा। इट गिव्स सम काइंड ऑफ द एश्योरिटी, दैट्स व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन अंडर द ISO 9000 स्टैंडर्ड एश्योर्ड टू हैव अ क्वालिटी इक्वल, मतलब वो क्वालिटी की फुल गारंटी देते हैं। द स्टैंडर्ड हैव बीन अडॉप्टेड इन द US एज द ANSI ASQC Q9000-1994 सीरीज, बट कॉमनली रेफर्ड टू एज ISO 9000, राइट। अभी लेक्चर से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपको सिंपली गूगल के ऊपर जाके इन दोनों नाम का शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म देखना है, राइट। ANSI दैट इज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और ASQC, इस ASQC का आपको क्या करना है, कमेंट में मेंशन करना है कि ASQC का फुल फॉर्म क्या है। तो इनिशियली इसका ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। द स्टैंडर्ड हैव बीन अडॉप्टेड इन द USA, अभी ये जो यूरोपियन स्टैंडर्ड बनाया था, एक्चुअली ये ISO 9000 जो स्टैंडर्ड है वो यूरोपियन कंट्रीज ने, मतलब टोटल 91 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव भी वहां पे प्रेजेंट थे, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज ने बनाया ऐसा माना जाता है, राइट। तो ये जो US था, तो US में एक अलग स्टैंडर्ड था। US कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करता था, ये स्टैंडर्ड US फॉलो करता था, ANSI ASQC Q9000-1994, ये स्टैंडर्ड को फॉलो करता था। बट लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के साथ या फिर किसी भी कंट्रीज के साथ अगर उसको बिजनेस करना था US को, तो उन्होंने भी क्या कर लिया कि ISO 9000 को रेफर करना स्टार्ट कर दिया, बट आर कॉमनली रेफर्ड टू एज ISO 9000 सीरीज, मतलब इसी स्टैंडर्ड को अमेरिका में क्या कहा जाता है, तो ISO 9000 की सीरीज इसी को कहा जाता है। The standard are recognized by over 100 countries including India and Japan. अभी ये जो standard है almost सभी countries में including India and Japan को include करके कम से कम 100 countries में ये ISO 9000 की series को refer किया जाता है या फिर recognize किया जाता है। In some foreign market, किसी किसी foreign market में companies will not buy from the non-certified suppliers, मतलब अगर किसी कंपनी के पास ISO 9000 स्टैंडर्ड या फिर सीरीज का सर्टिफिकेशन नहीं है, तो फॉरेन मार्केट में, इन सम फॉरेन मार्केट, मतलब सभी फॉरेन मार्केट में नहीं है लेकिन कुछ फॉरेन मार्केट में ऐसे अगर नॉन सर्टिफाइड सप्लायर्स है, तो ऐसे नॉन सर्टिफाइड सप्लायर से वो कुछ भी बाय नहीं करते, मतलब उनका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उनके पास ISO 9000 का सर्टिफिकेशन नहीं है, तो वो ऐसे नॉन सर्टिफाइड सप्लायर से कुछ भी बाय नहीं करते या फिर कुछ भी परचेस नहीं करते हैं। Thus meeting ISO 9000 standard is becoming necessity for the international competitiveness. मतलब अगर मार्केट में आपको कुछ कॉम्पिटिशन्स के अंदर रहना है, मार्केट में आपको अच्छा बिजनेस करना है या फिर कॉम्पिटिशन में रहना है, तो ISO 9000 का जो सर्टिफिकेशन है तो वो आपके लिए मस्ट रहेगा, बिकम नेसेसरी,
इट बिकम नेसेसरी टू हैव अ आईएसओ 9000 सर्टिफिकेशन. द स्टैंडर्ड आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री. और आईएसओ 9000 एक ऐसा स्टैंडर्ड है विच इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज. मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या फिर कोई भी सर्विस इंडस्ट्री है तो आईएसओ 9000 का सर्टिफिकेशन मस्ट है. इवन आपने बहुत सारे कोचिंग क्लास भी देखे होंगे, वो भी लिखते हैं कि हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आईएसओ 9000 सर्टिफिकेटेड कंपनी है या फिर आईएसओ 9000 ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी आईएसओ 9000 का सर्टिफिकेशन होल्ड करती है या फिर हमारे पास भी ये सर्टिफिकेशन है. तो इसीलिए अगर मार्केट में आपको अच्छे तरीके से स्टैंड अप करना है तो यू मस्ट हैव अ आईएसओ 9000 स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन. आईएसओ 9000 सर्टिफिकेशन एश्योर्स द कस्टमर दैट द फर्म हैज डिजाइंड एंड मैनेज्ड इट्स प्रोसेसेस टू एश्योर द डिलीवर ऑफ अ क्वालिटी प्रोडक्ट. इसका मतलब क्या है कि किसी भी कंपनी के पास जब आईएसओ 9000 का सर्टिफिकेशन है तो वो जो फर्म है या फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक एश्योरिटी देती है. किसको एश्योरिटी देती है? कस्टमर. एश्योर्स द कस्टमर दैट द प्रोडक्ट इज ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी. मतलब जो भी कंपनी के पास आईएसओ 9000 का सर्टिफिकेशन है उस कंपनी में बना हुआ जो भी प्रोडक्ट होगा वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को और वो जो प्रोडक्ट है वो एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट ही होगा बिकॉज इट हैविंग अ सर्टिफिकेशन ऑफ द आईएसओ 9000, राइट. अभी देखेंगे व्हाट इज आईएसओ 9000. अभी तक तो हमने देखा था कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ था, फिर ऑल ओवर वर्ल्ड उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका रोल क्या है, राइट. अभी देखेंगे एग्जैक्टली आईएसओ 9000 क्या है. आईएसओ 9000 वाज ओरिजिनली इश्यूड एज अ सीरीज ऑफ सिक्स इंटरनेशनली एग्रीड अपॉन द स्टैंडर्ड टू गाइड एंड ऑडिट अ कंपनीज क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. अभी देखेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या है. ISO 9000 was originally issued as a series of six internationally agreed standard. ISO 9000 क्या है कि एक सीरीज है जिसमें six international standards दिए गए हैं. अभी ये स्टैंडर्ड हमको क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड हमको हेल्प करेंगे कंपनी को गाइड करने के लिए या फिर कंपनी का ऑडिट करने के लिए. ऑडिट अ कंपनीज क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. ओके, आपने बहुत बार सुना होगा देखो कि हमारी कंपनी में अभी ऑडिट होने वाला है या फिर हमारी कंपनी में हमारी कंपनी को ऑडिट अभी इंटरनल ऑडिट है, अभी एक्सटर्नल ऑडिट है. तो इस प्रकार के ऑडिट के रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ना, ये सभी स्टैंडर्ड्स हमको कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये आईएसओ स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा टू गाइड कंपनी को गाइड करने के लिए और कंपनी का ऑडिट करने के लिए भी हमारी हेल्प कौन करेगा, तो ये आईएसओ करेंगे. अभी ये जो सिक्स इंटरनेशनली स्टैंडर्ड बोल रहे हैं ना, ये जो सिक्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोल रहे हैं तो उसमें देखो आईएसओ 9000, आईएसओ 9001, आईएसओ 9002, आईएसओ 9003, आईएसओ 9004 एंड आईएसओ 8402, ऐसे सिक्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है या फिर सिक्स इंटरनेशनल सीरीज है, ऐसे भी बोल सकते हो. ईच स्टैंडर्ड कंटेन द स्पेसिफिक गाइडलाइन पर ट्रेनिंग टू अ सर्टन सेगमेंट ऑफ द क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटीज. इन सभी स्टैंडर्ड में कुछ न कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइन मेंशन की गई है. ऐसा नहीं कि सभी स्टैंडर्ड है तो सभी स्टैंडर्ड में एक ही प्रकार की गाइडलाइन होगी या फिर एक ही प्रकार का सर्टिफिकेशन होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है. इन सभी स्टैंडर्ड में ईच कंटेन द स्पेसिफिक गाइडलाइन, कुछ न कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइन है किसके रिलेटेड, क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटीज के रिगार्डिंग, राइट. इनकी जो भी क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटीज है उन सभी स्टैंडर्ड में, ये जो सिक्स स्टैंडर्ड है इन सभी सिक्स स्टैंडर्ड में क्वालिटी रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उन क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटीज के रिलेटेड
उनमें कुछ ना कुछ गाइडलाइन मेंशन किए गए हैं। तो जब भी हम ऑडिट करने की बात आती है या जब भी हम ऑडिट करेंगे ना, तो इस गाइडलाइन को फॉलो करके ही हम उसका ऑडिट कर सकते हैं। ISO 9000 इज नॉट अ मैंडेटरी सिस्टम नॉर इट इज अ गवर्नमेंट रेगुलेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कस्टमर रेगुलेशन, राइट। देखो फर्स्ट थिंग, ISO किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपल्सरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ISO नहीं है तो मेरा प्रोडक्ट बेचेगा या नहीं बेचेगा। आपका प्रोडक्ट बेचने वाला है या नहीं बेचने वाला, ये कौन डिसाइड करेगा? कस्टमर डिसाइड करेगा। अगर कस्टमर को आपके कंपनी के ऊपर भरोसा है विदाउट ISO सर्टिफिकेशन, तो वो क्या करेगा, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट परचेस करेगा या फिर बाय करेगा। और इट इज अ गवर्नमेंट रेगुलेशन, ये गवर्नमेंट का भी रूल नहीं है कि गवर्नमेंट आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कंपल्शन नहीं कर सकती है कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को या फिर आपकी कंपनी को ISO का सर्टिफिकेशन नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कस्टमर रेगुलेशन, इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द कस्टमर रेगुलेशन। ये कस्टमर का रेगुलेशन है, किसी भी कंपनी के ऊपर। एक बात ध्यान रखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ISO इज नॉट अ मैंडेटरी सिस्टम, कंपल्सरी सिस्टम भी नहीं है और ये एक गवर्नमेंट रेगुलेशन भी नहीं है। गवर्नमेंट में आपको कंपलसरी नहीं करेगा कि ISO 9000 का सर्टिफिकेशन आपके पास होना ही चाहिए, बट इट इज ऑल अबाउट द कस्टमर रेगुलेशन। ये टोटली कौन डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, तो कस्टमर रेगुलेशन के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। दीज स्टैंडर्ड आर द मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ द स्टैंडर्ड दैट अ सप्लायर्स क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिस should meet in order to receive ISO 9000 accreditation or certification. Actually, ISO 9000 ये क्या है कि एक minimum acceptable level of the standard है। यहाँ पे लिखा है, देखो minimum acceptable level of standard, मतलब देखो कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट बनाएगी तो प्रोडक्ट बनाने से पहले जो भी मिनिमम लेवल का क्वालिटी, जो भी मिनिमम लेवल ऑफ द क्वालिटी स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है बाय द ऑर्गेनाइजेशन और बाय द ISO 9000, राइट। जब कोई भी स्टैंडर्ड ISO 9000 एक स्टैंडर्ड बना के देगी और वो कंपनी जब उस स्टैंडर्ड को या फिर उस लेवल ऑफ स्टैंडर्ड को अचीव करेगी, तभी ISO 9000 उसको क्या करेगी, एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करेगी या फिर उसको उस कंपनी को क्या करेगी, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकती है, राइट। तो इस मीनिंग का, ये जो लास्ट वाली लाइन है, इसका मीनिंग आप लोग अच्छे से ध्यान में रखो कि इट इज अ मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ स्टैंडर्ड। ISO मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज या बहुत बड़ा स्टैंडर्ड ऐसा कुछ है नहीं है, राइट। इट इज अ मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ द स्टैंडर्ड। अगर आपकी कंपनी ये जो मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है इसको अगर अचीव करती है तो ISO 9000 आपको एक्रेडिएशन या फिर उसका सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सेवरल एडिशनल स्टैंडर्ड हैव बीन इशूड सब्सिक्वेंटली बाय द ISO। फिर उसके बाद, मतलब इनिशियली क्या बताया गया था कि इट इज नथिंग बट अ मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ द स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद उन्होंने क्या मेंशन किया है कि सेवरल एडिशनल स्टैंडर्ड हैव बीन इशूड सब्सिक्वेंटली बाय द ISO। फिर इसी स्टैंडर्ड को और थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, बिकॉज वर्ल्ड वाइड पूरा ISO स्टैंडर्ड ही हम इम्प्लीमेंट करने वाले थे, राइट। तो जैसे जैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन या फिर उसका स्टैंडर्ड उसका इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा है, तो स्टैंडर्ड हैव बीन इशूड सब्सिक्वेंटली बाय द ISO, including major revision of the original series done in the year 1994. तो जब 1994 में जब उसका revised edition आया था, तो इस ISO 9000 में बहुत सारे series को add किया गया है। जैसे हम लोगों को पता है, देखो मोबाइल का पहले एक ओरिजिनल ब्रांड आता है, जैसे कि ओप्पो का A1 आया था, A2 आया था, A3, A4, A5, A6, A7, तो ऐसी सीरीज चलती ही रहती है। क्योंकि क्या हुआ था कि जो ओप्पो का जो पहले वाला ब्रांड था, तो उसको उन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा एक्सपांड किया था, मतलब नए नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया था।
तो ठीक उसी प्रकार ISO 9000 ने भी क्या किया था, उसी सीरीज को थोड़ा सा और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए या फिर क्वालिटी लेवल्स को और बढ़ाने के लिए उन्होंने 1994 में क्या किया था, और स्टैंडर्ड्स उसमें इम्प्लीमेंटेशन करना चालू कर दिया। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC वॉज द फर्स्ट टू एडॉप्ट दिस स्टैंडर्ड फॉर्मली एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सप्लायर्स शुड मीट इन ऑर्डर टू डू द बिजनेस इन द यूरोप। सबसे पहले इसको किसने अडॉप्ट किया था, ये जो ISO था सबसे पहले किसने अडॉप्ट किया था, तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी दैट इज EEC, और उन्होंने सबको बता दिया था कि अगर आप यूरोप में बिजनेस करना चाहते थे तो यू मस्ट हैव ISO 9000 सर्टिफिकेशन। अगर आपके पास ISO 9000 का सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप यूरोप की किसी भी कंपनी के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। यू मस्ट हैव ISO 9000 सर्टिफिकेशन। ISO 9000 रजिस्ट्रेशन और एक्रेडिटेशन इज नॉट अ परमानेंट सर्टिफिकेशन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माइंड में हमेशा याद रखो कि ISO का सर्टिफिकेशन, मतलब जैसे एक बार आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेशन मिल गया तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेशन आपके पास परमानेंटली हो जाए, लेकिन ISO के बारे में ऐसी बात नहीं है। ISO का जो सर्टिफिकेशन है, ISO का सर्टिफिकेशन इज नॉट परमानेंट सर्टिफिकेशन, इट इज नॉट अ परमानेंट सर्टिफिकेशन। अगर आपको ISO का जो सर्टिफिकेशन है वो हर साल या फिर 2-3 साल के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। इसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखो, एन ऑडिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट बी डन बाय द कॉम्पिटेंट एजेंसी वंस इन अ 3 or 6 month इन ऑर्डर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू रिटेन इट्स एक्रेडिटेशन। मतलब क्या होता है कि हर 3 महीने के बाद या फिर हर 6 महीने के बाद एक ऑडिट होता है। मान लो कि मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी को ISO सर्टिफिकेशन मिल गया, तो एक बार सर्टिफिकेशन मिलने के बाद नेक्स्ट टाइम मैं क्वालिटी को मेंटेन करूंगा या नहीं करूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए ये जो ISO 9000 रजिस्ट्रेशन है या फिर ISO 9000 जो एक्रेडिटेशन है, वो वन टाइम नहीं है, परमानेंट नहीं है। वो क्या करते हैं, उनकी जो भी कॉम्पिटेंट एजेंसी है, मतलब उनकी जो भी एजेंसी होगी, उस एजेंसी के थ्रू हर 3 महीने या फिर 6 महीने के बाद एक ऑडिट करते हैं वो कंपनी का, कि कंपनी को ISO सर्टिफिकेशन तो मिल गया, लेकिन मिलने के बाद वो जो भी क्वालिटी है उस क्वालिटी को मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसके लिए वो क्या करते हैं, हर 3 या फिर 6 महीने के बाद उसका क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं कंपनी मैनेजमेंट सिस्टम या फिर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, उसका क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, और अगर ऑडिट में वो पास हो गए तो रिटेन इट्स एक्रेडिटेशन। मतलब वो क्या करते हैं, उनको जो भी ISO का स्टैंडर्ड का एक्रेडिटेशन मिला था, उस एक्रेडिटेशन को वो क्या करते हैं, रिन्यू कर देते हैं। ISO 9000 ऑडिटर डू नॉट ऑडिट द क्वालिटी ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट बट रैदर the procedure and method used in delivering the quality। और देखो ये बात बहुत important है कि ये जो ISO 9000 के जो भी audit करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं auditors, और ये जो auditors है वो finished product की quality नहीं check करते हैं, finished product की quality check नहीं करते, वो क्या करते हैं, procedure और method की quality check करते हैं of delivering the quality। मतलब जिस procedure से या फिर जिस प्रोसेस से या फिर जिस मेथड से वो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उस मेथड को और उस प्रोसीजर की क्वालिटी वो चेक करते हैं। फाइनल फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी वो बिल्कुल नहीं चेक करते। उस प्रोडक्ट को कैसे बनाया जा रहा है, किस प्रोसीजर से बनाया जा रहा है, किस मेथड से बनाया जा रहा है, उसके लिए वो क्या करते हैं, ISO 9000 डिलीवरिंग द क्वालिटी चेक करते रहते हैं। After accreditation, quality assurance become the system driven or the person independent। एक बार accreditation मिलने के बाद वो जो quality assurance become the system driven, मतलब खुद system चलाती है। It is not a person independent, मतलब person की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई person चाहता भी है कि अभी मैं थोड़ा सा low quality वाला product बना सकूँगा,
तो भी वो प्रोडक्ट लो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, बिकॉज इट इज अ सिस्टम ड्रिवन। क्योंकि आईएसओ 9000 एक सिस्टम ही ऐसी है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वो इट इज अ सिस्टम ओरिएंटेड, नॉट अ पर्सन ओरिएंटेड। एक आदमी आईएसओ 9000 को नहीं चला रहा है, वो पूरी की पूरी सिस्टम आईएसओ 9000 को चला रही है। अभी देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएसओ कौन कौन से हैं। फर्स्ट, अचीव, मेंटेन एंड सीक टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी इन रिलेशन टू द रिक्वायरमेंट। ओके, हमको क्वालिटी को अचीव भी करना है, मेंटेन भी करना है एंड सीक टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी। और कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट की क्वालिटी को हमको क्या करना है, इंप्रूव करना है इन रिलेशन टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। नेक्स्ट, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द ऑपरेशन टू कंटिन्यूअसली मीट द कस्टमर्स एंड द स्टेक होल्डर स्टेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड नीड। राइट, इसमें भी हमको क्या करना है, क्वालिटी को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना है। और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ द ऑपरेशन बोला है, मतलब जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, ऐसे जो भी ऑपरेशन है उन सभी ऑपरेशन की क्वालिटी को हमको इम्प्रूव करना है कंटिन्यूअसली। और किसके लिए, टू मीट द कस्टमर स्टेटेड एंड इम्प्लीमेंट इम्प्लाइड नीड। जो कस्टमर ने हमको बताया है कि मुझे ये क्वालिटी चाहिए और ये मेरी रिक्वायरमेंट है, तो उस कस्टमर की और स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए हमको क्वालिटी ऑफ ऑपरेशंस भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, प्रोवाइड द कॉन्फिडेंस टू द इंटरनल मैनेजमेंट एंड अदर एम्प्लॉयज दैट द क्वालिटी रिक्वायरमेंट आर बीइंग फुलफिल्ड एंड दैट द इम्प्रूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। और इसमें क्या करना है, कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज है उन सभी एम्प्लॉयज को हमको बताना है कि जो भी इंटरनल मैनेजमेंट एंड अदर एम्प्लॉयज शुड कॉन्फिडेंस, उनको उनकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट दे आर फुलफिलिंग द कस्टमर्स नीड। वो सभी लोग कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आईएसओ 9000 का सर्टिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रोवाइड द कॉन्फिडेंस टू द कस्टमर एंड अदर स्टेक होल्डर दैट द क्वालिटी रिक्वायरमेंट आर बीइंग अचीव्ड इन द डिलीवर्ड प्रोडक्ट। देखो ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएसओ 9000 दोनों को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, और जो कस्टमर और स्टेक होल्डर है या फिर जो स्टॉक होल्डर है उन सबको वो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि जो भी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है वो सभी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट वो क्या कर रहे हैं, अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अचीव कर दे रहे। प्रोवाइड द कॉन्फिडेंस दैट द क्वालिटी सिस्टम रिक्वायर्ड्स आर फुलफिल्ड। क्वालिटी सिस्टम के जो भी रिक्वायरमेंट है वो सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी आईएसओ 9000 क्या करेगा, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा। अभी हम देखेंगे कि आईएसओ 9000 की सीरीज क्या बताती है या फिर आईएसओ 9000 की सीरीज में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं या फिर ये सीरीज क्या क्या होती है। ओके, ये दिस इज द सीरीज ऑफ आईएसओ 9000, ये बताती है उसकी सीरीज। ओके, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए बताता हूँ, अभी आईएसओ 8402 इस सीरीज में हमको क्या बताया गया है, टर्मिनोलॉजी स्टैंडर्ड, प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ ऑल टर्म्स इज अ कॉम्प्रेंसिव ग्लोसरी। राइट, मतलब टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होंगी स्टैंडर्ड में, प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ ऑल टर्म्स, मतलब आईएसओ 9000 में जितने भी टर्म्स है, जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उन सभी रूल्स रेगुलेशंस की डेफिनेशंस होगी एंड इट अ कॉम्प्रेंसिव ग्लोसरी, मतलब पूरा पैराग्राफ लिखा होगा। डेफिनेशन मतलब जैसे हमारे पास डेफिनेशन मतलब दो लाइंस की डेफिनेशन होती है, राइट, इस प्रकार की डेफिनेशन यहाँ पे नहीं चलेगी, यहाँ पे हमको डिटेल में बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या है। तो ये बताता है सीरीज और ये बताता है उसका कंटेंट। इस टेबल में, इस कॉलम में हम क्या बताने वाले हैं कि एक मिनट, ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है, ये फर्स्ट वाले कॉलम में बताया कि स्टैंडर्ड कौन कौन सा है, कौन कौन सी सीरीज है, तो 8402, 9000, 9001, 9002, 9003 एंड 9004, ये उसकी सीरीज है। और इस कॉलम में हमको बताया गया है कि उस सीरीज में कौन सा चैप्टर हमने कवर अप किया है।
राइट जैसे कि अभी देखो आईएसओ 9000 में लिखा है हेल्प्स द कंपनीज डिटरमाइन विच स्टैंडर्ड इफ 9001 9002 एंड 9003 अप्लाइज। मतलब आईएसओ 9000 कंपनी को मदद करती है कि कौन सा स्टैंडर्ड लिया जाएगा या फिर कौन सा स्टैंडर्ड देना चाहिए। आईएसओ 9001 का स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन देना चाहिए, आईएसओ 9002 का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना चाहिए या फिर आईएसओ 9003 का सर्टिफिकेशन हमको अप्लाई कर देना चाहिए। राइट ओके तो ये दोनों कॉलम या फिर ये जो आईएसओ 9000 की ये जो सीरीज है ये सीरीज आप लोगों को कंपलसरी याद रखना है। एग्जाम में बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एक्सप्लेन द आईएसओ 9000 सीरीज। तो सीरीज का मतलब क्या है कि आपको ये कॉलम में सीरीज के नाम जैसे कि 8402 9000 से लेकिन आई के 9004 तक और उस पर्टिकुलर सीरीज में कौन सा पॉइंट या फिर कौन सा टॉपिक कवर अप करने वाले हैं ये आपको अच्छे तरीके से राइट अभी देखेंगे कि एलिमेंट ऑफ आईएसओ कौन कौन से राइट। आईएसओ 9000 स्टैंडर्ड फोकस ऑन द 20 की एलिमेंट्स ओके ऐसे 20 की एलिमेंट है लेकिन 20 के 20 आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें से कोई भी 10 एलिमेंट आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके रखो ताकि अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए भी अगर आता है तो एक क्वालिटी के लिए आप क्या कर सकते हो कम से कम एक क्वालिटी के लिए आपको हाफ मार्क मिलेगा तो भी अगर आप 10 लिखते हो तो 5 मार्क्स आपको कंपलसरी मिल जाएंगे। राइट टू गेट द सर्टिफिकेशन द फॉर्म मस्ट पास ऑडिट टू इंश्योर द कंप्लायंस विथ ऑल दीज स्टैंडर्ड। मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी भी फर्म को अगर आईएसओ 9000 का सर्टिफिकेशन चाहिए तो ये जो 20 एलिमेंट्स है तो ये 20 एलिमेंट मस्ट बी सेटिस्फाई हो जाने चाहिए। राइट तो ये 20 एलिमेंट आप कोई भी 10 एलिमेंट आप अच्छे तरीके से याद करके रखो। फर्स्ट वन इज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, डिजाइन कंट्रोल, डॉक्यूमेंट एंड डेटा कंट्रोल, परचेसिंग, कंट्रोल ऑफ सप्लाइड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी, प्रोसेस कंट्रोल, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, कंट्रोल ऑफ इंस्पेक्शन एंड मेजरिंग टेस्ट इक्विपमेंट, इंस्पेक्शन एंड टेस्ट स्टेटस, कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, हैंडलिंग स्टोरेज पैकेजिंग प्रिजर्वेशन एंड डिलीवरी, कंट्रोल ऑफ क्वालिटी रिकॉर्ड, इंटरनल क्वालिटी ऑडिट्स, ट्रेनिंग, सर्विसिंग एंड लास्ट वन इज द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। राइट इन सब पॉइंट्स को एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस में नहीं है ओके इन सब का बहुत सारा बहुत बड़ा ऐसा एक्सप्लेनेशन भी है इट इज क्वाइट लेंदी वो बहुत लेंदी भी हो जाएगा और आपको एग्जाम में पूछने वाला भी नहीं है लेकिन सिर्फ आपको कोई भी 10 पॉइंट्स इसमें से क्या करो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके रखो। अभी आईएसओ 9200 की कुछ क्लॉजेस है। क्लॉज का मतलब क्या होता है कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। तो आईएसओ 9000 और 2000 का मतलब क्या बताया है इट इज अ इम्प्लीमेंटेशन ईयर। मतलब आईएसओ 9000 की 2000 के जो भी क्लॉजेस है ये कब अप्रूव हो चुके थे इन द ईयर 2000 जब 2000 का साल था वो 2000 के साल में इसको हमको अप्रूवल मिला था तो इसीलिए उसको बोलते हैं आईएसओ 9000 2000। राइट तो अभी 2016 2014 ऐसे बहुत सारे क्लॉजेस आ चुके हैं लेकिन आपके सिलेबस में ये बेसिक क्लॉजेस है इसीलिए इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो उसमें से फर्स्ट क्लॉज है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज द फर्स्ट क्लॉज। इस क्लॉज में क्या मेंशन किया गया है द जनरल रिक्वायरमेंट आर कंसर्निंग वेदर द ऑर्गेनाइजेशन अ वेल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और नॉट। तो इस क्लॉज में सिर्फ इतना बताना है हमको कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एग्जिस्ट है या नहीं है। सेकंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंश्योर्स दैट अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी विथ रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी मैनेजमेंट। ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्या करती है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हमको बताती है किसके रिगार्डिंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग। इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी इन एवरी स्पीयर ऑफ द एक्टिविटी। मतलब
ये क्या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हमको क्या इंश्योरिटी देती है, किसके बारे में हमको बताती है कि कोई भी स्पीयर ऑफ एक्टिविटी है, मतलब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो वो एक्टिविटी मस्ट हैव द स्टैंडर्ड ऑफ द आईएसओ 9000, मतलब आईएसओ 9000 में जो भी स्टैंडर्ड बताया है वो स्टैंडर्ड के रिलेटेड ही यहाँ पे क्या होनी चाहिए, एक्टिविटी हो जानी चाहिए। सेकंड वन इज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें देखो द टॉप मैनेजमेंट कंडक्ट्स द मैनेजमेंट रिव्यू एट रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम। जो भी टॉप मैनेजमेंट होंगे वो टॉप मैनेजमेंट क्या करते रहेंगे, ऑलमोस्ट हर टाइम, हर 3 महीने के बाद या हर 6 महीने के बाद रिव्यू कंडक्ट करते रहेंगे। मैनेजमेंट डिटरमाइंस द रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर एंड टेक द अप्रोप्रिएट मेजर टू सेटिस्फाई दीज। अभी ये जो टॉप मैनेजमेंट सिस्टम है, ये टॉप मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगी, कुछ रिक्वायरमेंट और कुछ कस्टमर के जो भी रिक्वायरमेंट है, कस्टमर के जो भी एक्सपेक्टेशंस है उनको रिकॉर्ड करके रखेगी एंड उस एक्सपेक्टेशन और उस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए कुछ न कुछ एक्शन लेती रहेगी। मैनेजमेंट अपॉइंट द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव फॉर द मैटर्स रिलेटेड टू द क्वालिटी। अभी ये जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है वो किसको अपॉइंट करेगी, जो भी मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे उन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव को क्वालिटी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए उनको अपॉइंटमेंट कर देगी। नेक्स्ट रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी रिसोर्स मैनेजमेंट में मैंने आपको कहा था कि रिसोर्स यानी कि 4 M होते हैं, रिसोर्सेस में 4 M होते हैं। फर्स्ट वन इज द मैन, सेकंड वन इज द मटेरियल, थर्ड वन इज द मशीन एंड फोर्थ वन इज द मटेरियल। ऐसे 4 M को मिला के हमारा क्या बनता है कि रिसोर्स बनता है। तो इन 4 M का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, रिसोर्सेस रिक्वायर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड डिटरमाइन एंड प्रोवाइड द रिसोर्सेस रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट मेंटेन एंड इम्प्रूव द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो जितने भी रिसोर्सेस है उन सभी रिसोर्सेस को हमको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना, प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना एंड उसको इम्प्रूव करना है। फाइनली हमको किसको इम्प्रूव करना है, हमारी जो क्वालिटी मैनेजमेंट की सिस्टम है उस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को हमको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। द ह्यूमन रिसोर्सेस सीक द अटेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स आइडेंटिफाइंग वेदर द पर्सनल। अभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करना चाहते हैं वो सभी आइडेंटिफाइंग वेदर द पर्सनल हु डायरेक्टली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आर द कंपोनेंट इनफ इन टर्म्स ऑफ द क्वालिफिकेशन स्किल एंड एक्सपीरियंस। देखो अभी आपको अगर एकदम हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो आपके कंपनी के अंदर जो भी वर्कर्स काम करने वाले हैं उनका क्वालिफिकेशन भी अच्छा होनी चाहिए, उनके अंदर कुछ न कुछ स्किल होनी चाहिए एंड ऑल द वर्कर्स और ऑल द मैनेजर्स मस्ट हैव सम काइंड ऑफ द एक्सपीरियंस टू डू द वर्क। क्योंकि हमारे हमको क्या करना है कि हमारी जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उस क्वालिटी मैनेजमेंट की सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास जो वर्कर्स मैनेजर होंगे उनका क्वालिफिकेशन अच्छा होना चाहिए, स्किल भी अच्छी होनी चाहिए और उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हु डायरेक्टली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, उनकी जो भी स्किल है वो स्किल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर अफेक्ट करेगी, तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करेगी। और सबसे लास्ट जो क्लॉज है दैट इज द प्रोडक्ट रियलाइजेशन, इट डिमांड्स फॉर द प्लानिंग एंड डेवलपिंग द प्रोसेस फॉर द प्रोडक्ट रियलाइजेशन एंड मेंटेनिंग द रिलेवेंट रिकॉर्ड। प्रोडक्ट रियलाइजेशन में हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, किसके प्लानिंग करते हैं, डेवलपिंग अ प्रोसेसेस, मतलब जिस प्रोसेस का यूज करके हमको प्रोडक्ट बनाना है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड वो जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस यूज करेंगे तो उसके रिगार्डिंग प्लानिंग एंड डेवलपिंग करना है सो दैट वी कैन कीप अ रिकॉर्ड, वी कैन मेंटेन अ रिलेवेंट रिकॉर्ड। जो भी रिलेवेंट रिकॉर्ड होगा उस रिलेवेंट रिकॉर्ड को हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन करते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्वालिटी सिस्टम। क्वालिटी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स का यूज है, ये क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ द व्यू इज टू मच इम्पोर्टेंट।
आपके एग्जाम में इसके ऊपर 100% क्वेश्चन पूछने वाला है, राइट? क्वेश्चन कैसे पूछेगा? व्हाट आर द स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्वालिटी सिस्टम? ऐसे कौन कौन से स्टेप्स है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्वालिटी सिस्टम को डेवलप करना है या फिर क्वालिटी सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो आपको कौन कौन से स्टेप्स की जरूरत होगी? तो उसमें से फर्स्ट स्टेप है, कुछ स्टेप रहेंगे प्रिपरेटरी स्टेप। तो प्रिपरेटरी स्टेप मतलब जैसे हमको पता है कि प्रिपरेशन करना है, मतलब डायरेक्टली हम सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब आपको टू व्हीलर का लाइसेंस चाहिए होता है, परमानेंट लाइसेंस लेने से पहले आपको लर्निंग लाइसेंस निकालना पड़ता है, राइट? लर्निंग लाइसेंस के बाद आप 6 महीने के बाद आप क्या कर सकते हो, परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट या फिर क्वालिटी सिस्टम है, इस क्वालिटी सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको 3 स्टेप कैरी आउट करने पड़ेंगे। तो उसमें से जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज अ प्रिपरेटरी स्टेप। अभी देखेंगे कि प्रिपरेटरी स्टेप में हमको क्या क्या करना पड़ता है। फर्स्ट, प्रिपेयर टू क्रिएट द क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन। पहले हमको क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, फिर उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ कमिटमेंट टू ISO 9001 एंड एक्सप्रेस द क्वालिटी पॉलिसी। फिर उसके बाद ISO 9001 की मैनेजमेंट को हमको कमिट करना है एंड एक्सप्रेस द क्वालिटी पॉलिसी। जो भी हमारी क्वालिटी की पॉलिसी होगी, वो क्वालिटी पॉलिसी हम डिसाइड करेंगे। अगर आप लोगों ने टेस्टिंग डिपार्टमेंट में कभी विजिट किया है, तो हमारे सिपेट की जो भी क्वालिटी पॉलिसी है, वो वहाँ पे टेस्टिंग डिपार्टमेंट में लगाई हुई है। सेटअप एंड इम्प्लीमेंटेशन कमिटी एंड अपॉइंट अ कोऑर्डिनेटर। इसमें हमको क्या करना है कि इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो भी कमिटी लगेगी, एक कमिटी का सेटअप करना है एंड अपॉइंट अ कोऑर्डिनेटर, मतलब उस कमिटी का एक कोऑर्डिनेटर भी होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टार्ट ISO अवेयरनेस प्रोग्राम। अभी कंपनी में जितने भी लोग होंगे, ऑपरेटर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे, इंस्पेक्टर्स होंगे, तो उनके उन सभी के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करना है। किसके रिगार्डिंग अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, तो उन सबको ISO क्या है, ISO में क्या क्या होता है, इन सब के बारे में अवेयरनेस करने के लिए प्रोग्राम रखना है। कंडक्ट द स्टेटस रिव्यू एंड प्रिपेयर अ एक्शन प्लान। बार बार हमको ISO 9000 की प्रिपेरेटरी स्टेप का रिव्यू लेना पड़ता है और प्रिपेयर अ एक्शन प्लान। रिव्यू के बाद हम तुरंत क्या करेंगे, एक्शन प्लान को भी एग्जीक्यूट करेंगे। डेवलप द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। जैसे कि हमने हमारे सिलेबस में 3 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थे, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड वन इज द लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इन तीनों में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए बेस्ट सुटेबल रहेगा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हमको क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज ऑफ द पर्सनल परफॉर्मिंग द क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटीज। अभी इसमें जो भी बंदे क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उनकी जो अथॉरिटी है, वो हमको क्या कर देना है, डिफाइन कर देना है। मतलब क्या होगा, उस पर्टिकुलर ऑपरेटर को वो काम बताया जाएगा, तो वो काम वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। नेक्स्ट, डेवलप द क्वालिटी सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। जैसे हम क्वालिटी सिस्टम बना रहे हैं, तो क्वालिटी सिस्टम का डॉक्यूमेंटेशन बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन कब हमारी मदद करेगा, जब एक्सटर्नल या इंटरनल ऑडिट होगा, या फिर ISO के जो भी मेंबर्स आके हमारे कंपनी का ऑडिट करेंगे, तो एट द टाइम ऑफ द ऑडिट हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर अ रिसोर्स सिस्टम इन द लाइन विथ द स्टैंडर्ड। और हमको एक सिस्टम बना के रखना है, जैसे सिस्टम में एक रिसोर्स की सिस्टम होनी चाहिए विद द ऑल स्टैंडर्ड, राइट? तो प्रिपरेटरी स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप थी। अभी हम सेकंड स्टेप देखेंगे। सेकंड स्टेप इज द इम्प्लीमेंटेशन स्टेप। अभी हमने पूरा प्रिपरेशन कर लिया है। अभी हमको ISO 9000 के सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है, तो हमने उसके रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन हमने कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जो भी हमने एक्शंस बनाए थे, जो भी हमने प्लान्स बनाए थे, उन सभी प्लान्स को अभी हमको एग्जीक्यूट करना है, मतलब एक्चुअली उसको हमको क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो फर्स्ट,
इम्प्लीमेंट द डॉक्यूमेंटेड क्वालिटी सिस्टम, जो भी हमने डॉक्यूमेंटेशन बनाया था उस डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से हमको क्वालिटी सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद इस्टेब्लिश द इंटरनल क्वालिटी ऑडिट, राइट। डायरेक्टली कोई एक्सटर्नल एग्जाम देने से पहले देखो हम इंटरनल एग्जाम देते हैं। इंटरनल एग्जाम देने का मतलब क्या होता है कि इंटरनल ऑडिट करने से हमको पता चल जाता है कि हम कमी कहाँ पे है, हमारा ड्रॉबैक कहाँ पे हो रहा है, तो उस ड्रॉबैक को हम फाइनल एग्जाम से पहले या फिर फाइनल इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले हम उसको इलिमिनेट कर सकते हैं। इसीलिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इंटरनल क्वालिटी ऑडिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मॉनिटर एंड स्टेबिलाइज द क्वालिटी सिस्टम। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को इलिमिनेट करके या फिर उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करके हम क्या करेंगे, हमारी जो क्वालिटी सिस्टम है उसको थोड़ा सा स्टेबिलाइज करने की कोशिश करेंगे। कंडक्ट द प्री रजिस्ट्रेशन इंटरनल ऑडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम फाइनल एग्जाम देने से पहले प्री एग्जाम देते हैं, जैसे आपके हमारे कॉलेज में मिड टर्म फर्स्ट एंड मिड टर्म सेकंड होती है, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्री रजिस्ट्रेशन इंटरनल ऑडिट। मतलब रजिस्ट्रेशन करने से पहले उसकी हम इंटरनल ऑडिट अच्छे प्रकार से इंटरनल ऑडिट करेंगे। मतलब अगर इंटरनल ऑडिट हमारा परफेक्ट है, इंटरनल ऑडिट हमारा ओके है, तभी हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन स्टेप पे मूव करेंगे, दैट इज द थर्ड स्टेप। ओके, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि तीन स्टेप होते हैं, इसमें फर्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेटरी स्टेप, सेकेंड स्टेप इज द इम्प्लीमेंटेशन स्टेप एंड थर्ड स्टेप इज द रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन स्टेप। मतलब अभी हमको हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, रजिस्ट्रेशन करेगी एंड फाइनली हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ISO 9000 का सर्टिफिकेशन मिलेगा। इसमें फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए हमको अप्लाई कर देना है एडेक्वेसी ऑडिट बाय द सर्टिफिकेशन बॉडी। ओके, अभी ये जो सर्टिफिकेशन बॉडी होगी, उस सर्टिफिकेशन बॉडी के कुछ मेंबर्स आके हमारी कंपनी में स्टे करेंगे। वो क्या, हमने अप्लाई कर दिया और कुछ भी बिना देखे वो सर्टिफिकेशन पे साइन नहीं कर सकते, तो ये जो सर्टिफिकेशन बॉडी थी, ये सर्टिफिकेशन बॉडी के क्या करेंगे, मेंबर्स आके कुछ ना कुछ एडेक्वेसी निकालने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर कुछ कमी है तो वो हमको बताएंगे, अगर कुछ भी कमी नहीं है तो कंप्लायंस ऑडिट बाय द सर्टिफिकेशन बॉडी। अगर कुछ भी मतलब कुछ भी डाउट नहीं है, कुछ भी ड्रॉबैक्स नहीं है, तो वो क्या करेंगे, हमारी सर्टिफिकेशन बॉडी कंप्लायंस दे देंगी। मतलब एक क्लीन शीट देगी कि हमारी कंपनी को अभी ISO सर्टिफिकेशन मिल जाएगा एंड सबसे लास्ट में क्या मिल जाएगा, हमारी कंपनी को ISO 9000 का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। ये पॉइंट जो है, स्टेप्स टू गेट द क्वालिटी सिस्टम, क्वालिटी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के जो तीन मैंने आपको स्टेप्स बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपके एग्जाम में इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको क्या करो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके, राइट। और हर लेक्चर में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हर लेक्चर, अभी तक जितने भी लेक्चर हो चुके हैं उन सभी लेक्चर को आपको अटेंडेंस के लिए कमेंट करना है। कमेंट कैसे करना है, आपको आपके क्लास का नाम लिखना है, ब्रैकेट में आपका हॉल टिकट नंबर लिखना है, एंड का सिंबल देके आपको आपका फुल नाम लिखना है, राइट। थैंक यू।